क्या हो गया? मैंने आपसे कहा नंबर दे दो तो आप नंबर देने मना कर रहे हो। नंबर नंबर ले लूँ, फिर बात कर लूंगा आपसे मैं। तो यूं ही क्यों चढ़ रहे हो? कोई प्रधानमंत्री तो हो नहीं है। हेलो हेलो जैन सर बोलो। जी सर, सर ने नंबर दिया आपका। कौन सर ने? डीएसपी सर ने। तो आपको फर्नीचर लेना चाहते हो सर? तो क्या क्या फर्नीचर है वो व्हाट्सएप पर भेजो। ठीक है सर। और डीएसपी साहब का नंबर ही भेज दो मेरे पास में। क्यों? नंबर नहीं मेरे पास उनका। तो नंबर से क्या करेंगे आप? क्यों नंबर से क्या करेंगे? नंबर से करा रही क्या? डीएसपी साहब का नंबर भी भेज दो मेरे पास में, अपना नंबर भेज दो। तो आप उनसे ले लीजिए ना। सर से ले लीजिए आप। क्यों, आपको नंबर दिया ना उन्होंने? हाँ आपको दिया है। मेरा नंबर दिया है ना आपको? हाँ। तो आप उनका नंबर भी दे दो। हाँ तो आप उनसे ले लीजिए ना। उनका नंबर नहीं मेरे पास में, इसलिए नंबर ले रहा हूँ आपसे मैं। तो मैसेंजर पे ले लीजिए ना। मैसेंजर पे आप क्यों दे रहे नंबर उनका? क्या आप नंबर क्यों नहीं दे रहे? नहीं हम सर, मेरी बात सुनो, हम आपको नंबर देंगे तो हमसे मना क्या होगा सर? तभी तो हम मना कर रहे हैं ना। नंबर नंबर मिलेगा नहीं। मैं हाई कोर्ट में एडवोकेट हूँ सर, गवर्नमेंट एडवोकेट। हाँ वो होंगे। नहीं मेरे पे नंबर तो 5 मिनट में आ जाएगा। हाँ आप मुझसे बात कर रहे हो, आप जानते हो मेरे को मैं तो सर किसी में मैं बता रहा हूँ आपको। आप अपन जहाँ फोन लगा रहे हो ना, मैं हाई कोर्ट में सरकारी वकील हूँ, अधिवक्ता अधिवक्ता दीवान मेरा नाम है। नंबर तो मैं 2 मिनट में सब ले लूंगा, सभी नंबर। आप कहाँ से बात कर रहे हो सब पता कर लूंगा मैं। है ना, मैंने आपसे कोई गाली दिया आपको? नहीं, आप उनको नंबर देना मना कर रहे हो ना, वही पूछ रहा हूँ आपसे मैं, गाली नहीं दोगे आपसे मैं नंबर मांगा तो आप क्यों चढ़ रहे हो खा में खाई? यू ही बेबाक आप मुझे। क्या हो गया? मैंने आपसे कहा नंबर दे दो तो आप नंबर देना मना कर रहे हो। नंबर पहले नंबर ले लूँ, फिर बात कर लूंगा आपसे मैं। यूं ही क्यों चढ़ रहे हो? कोई प्रधानमंत्री तो हो नहीं आप? ना ना, प्रधानमंत्री तो मैं क्या हूं? भी गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, ये मत सोचना कि कोई नहीं है। नहीं, मुझे ये मत पर सिखाओ मैं कौन हूँ और आप कौन है, है ना? तो आप सिखा रहे हो हमें ये? तो नहीं, आप नंबर देने वकील हूँ, हाई कोर्ट में कुछ भी हो, लेने देना है वो मैं हूँ, ले देना है ना। तो कुछ भी हो आपसे, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है? नहीं सब फोन काटे आप, फर्जी आईडी बनाकर मैसेंजर में इनको मैसेज किया कि सोफा सेट, यही था ना, कुछ सोफा सेट बेचना है डीएसपी साहब के यहाँ से कहा है। और इनने समझदारी की, इनने मेरे से बात भी की और फिर मैंने बताया कि वो फर्जी है, अन्यथा यदि ये कुछ शेयर करते अपनी जानकारी, अकाउंट नंबर वगैरह वगैरह, तो इनके साथ फर्जीवाड़ा होता, आज इनका खाता जीरो हो चुका होता। लेकिन ये इन्होंने बहुत अच्छी समझदारी की और अभी आके हमारे सामने भी उससे बात की है। तो मैं ये बताना चाहता हूँ, कभी भी कोई भी अधिकारी ट्रांसफ़र हो, कुछ भी हो, कोई ऐसे ही आज तक नहीं मुझे मिला जो सोफ़ा बेचने के लिए सोशल मीडिया में डाले या लोगों से कहे, ये सिर्फ फर्जीवाड़ा होता है। और तरह तरह के आजकल फर्जीवाड़ा हो रहे हैं, जैसे कोई लड़की आती है और वीडियो कॉल करती है और आपका वीडियो बना लिया जाता है, फिर पैसे ट्रांसफ़र करवाए जाते हैं, वो पैसे किसी ऐसे व्यक्ति के खाते में करवाए जाते हैं जो बेचारा निर्दोष होता है, गांव में खेती कर रहा होता है, उसे मालूम ही नहीं है, और उसके खाते में ट्रांसफ़र करवा लिए जाते हैं, या तो ये कह के कि तुम्हारी उधारी चुका देते हैं कुछ भी, तो वो लोग फंस जाते हैं। तो ऐसे फ्रॉडों से बचें, कभी भी कोई भी ऑनलाइन पैसा भी आए तो उस पैसे को तत्काल पुलिस में शिकायत करें, और इन फर्जीवाड़ा लोगों से बहुत बचना ज़रूरी है, क्योंकि ये साइबर दुनिया में कहीं भी बैठकर कहीं भी अपराध कर सकते हैं। तो ये समझदारी दिखाएं, वकील साहब जैसे जो उन्होंने समझदारी दिखाई, जागरूक रहें। जय हिंद, जय भारत।